30 दिन के मोबाइल रिचार्ज प्लान की मांग हुई पूरी, क्या अब फ्री इनकमिंग कॉल की है बारी? क्या है पूरी खबर, आइए विस्तार से बताते हैं आपको इस वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लें इसी तरह की वीडियोज देखने के लिए। भारतीय टेलीकॉम इंडस्ट्री अनिश्चितताओं से भरी है, इन दिनों तो कम से कम ऐसा ही देखने में आ रहा है। देश में नंबर पोर्ट कराने वाले लोगों की गिनती बढ़ गई है। इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो के उपभोक्ता आधार में भारी गिरावट आ रही है और सरकारी दूरसंचार कंपनी BSNL फिर से सुर्खियों में छाने लगी है। यह सब जियो, एयरटेल और VI द्वारा मोबाइल रिचार्ज प्लान बढ़ाए जाने के बाद तेजी से बदल रहा है। इंडियन मोबाइल यूजर्स टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी पर भी सवाल उठाने लगे हैं और ट्राई ने 30 दिन की वैलिडिटी वाले प्लान लाए जाने का आदेश देकर उपभोक्ताओं में नई उम्मीद भी जगा दी है। ग्राहकों की मांग के बाद जियो, एयरटेल और VI नए 30 दिन तथा मंथली वैलिडिटी वाले प्लान ले आए हैं और मोबाइल यूजर्स को उम्मीद है कि अब उनकी फ्री इनकमिंग कॉल वाली डिमांड भी जल्द पूरी हो सकती है। ट्राई द्वारा संज्ञान लिए जाने के बाद जियो, एयरटेल और VI 30 दिन की वैलिडिटी वाले मासिक प्लान तो ले आई हैं, लेकिन ये प्लान सभी उपभोक्ताओं को रास नहीं आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मासिक वैधता की तरफ ट्राई का ध्यान आकर्षित किए जाने के बाद भारतीय मोबाइल यूजर्स इस उम्मीद में हैं कि ट्राई अब इनकमिंग कॉल और वैलिडिटी प्लान की ओर भी ध्यान देगी और प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाएगी। यूजर्स की डिमांड है कि उन्हें इनकमिंग कॉल फ्री दी जाए तथा साथ ही वैलिडिटी रिचार्ज को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। फ्री इनकमिंग कॉल की डिमांड रखते हुए मोबाइल यूजर्स ने दलील दी है कि वो अपना मोबाइल नंबर तो एक्टिव रखना चाहते हैं, लेकिन उसमें बार बार रिचार्ज करवाना नहीं चाहते हैं। ग्रामीण इलाकों में बहुत से ऐसे यूजर हैं जो फीचर फोन रखते हैं तथा अपने फोन का इस्तेमाल किसी इंटरनेट ब्राउजिंग या वीडियो देखने के लिए नहीं करते, बल्कि सिर्फ कॉल रिसीव करने के लिए करते हैं। इसी तरह बहुत से परिवारों में ऐसे बूढ़े व बुजुर्ग लोग हैं जिन्हें मोबाइल से कोई सरोकार तो नहीं होता, लेकिन परिवार से जुड़े रहने के लिए तथा आपात स्थिति में उपयोग के लिए उन्हें मोबाइल फोन साथ रखना पड़ता है। ऐसे लोगों को भी अपना मोबाइल नंबर चालू रखने के लिए मजबूर रिचार्ज करवाना पड़ता है। ऐसे उपभोक्ताओं को मोबाइल सर्विस यूज करने के लिए हर बार वैलिडिटी रिचार्ज करवाना पड़ता है, जो व्यर्थ में ही महंगा पड़ता है। इन्हीं स्थितियों का हवाला देते हुए भारतीय उपभोक्ताओं ने मांग उठाई थी कि इनकमिंग कॉल पूरी तरह से फ्री कर देनी चाहिए और अब इन यूजर्स को ट्राई से उम्मीद है कि यह संस्थान यूजर्स की भलाई के लिए जल्द कोई कदम उठाएगा। ग्राहकों का मानना है कि सिर्फ अपना नंबर चालू रखने के लिए ही हर बार रिचार्ज करवाना सही नहीं है। आपकी क्या राय है इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और हाँ, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर देना ताकि और लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।